तो दोस्त आपको अक्सर हाँ योनो SBI एप्लीकेशन में एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर में ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन है क्या, और यहाँ पर जब आप ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते होंगे तो वहाँ पर आपसे आपका पेमेंट डिटेल्स पूछता है, लाइक एज आपका IFSC कोड और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। तो अब काफ़ी सारे कस्टमर्स की माइंड में एक सवाल आता है कि आखिर में ये क्या है और इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो में मैं आपको ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। सो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उन सारे भाइयों को दिखा देता हूं कि आखिर में कहां पर आपको ई मैंडेट ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे यूजर्स होंगे जिनको अभी तक ई मैंडेट का ऑप्शन देखने को नहीं मिला होगा। तो देखिए जब आप लोग योनो SBI एप्लीकेशन में लॉगिन पेज पर आएंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ऊपर में 3 लाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लास्ट में 3rd नंबर पर मिस्ड डॉट सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है। देखिए ये रहा ई मैंडेट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए आ चुका है ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ की इन द IFSC कोड ऑफ योर बैंक इन द बिलो इनपुट फील्ड। उसके बाद पेमेंट डिटेल्स पूछा जा रहा है, जैसे कि आपका IFSC कोड। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर लेना है। तो आप इस रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुल कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन इस प्रोसेस को करने से पहले इस बात को जान लेना बेहद ज़रूरी है कि आखिर में ये जो ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन है किसके लिए बेनिफिशियल है, किस कस्टमर्स के लिए। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, जिन्होंने लोन ले रखा है या फिर जो फ्यूचर में लोन लेना चाहते हैं, किसी भी टाइप का लोन, चाहे बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, एडुकेशनल लोन हो, किसी भी टाइप का लोन अगर आपने ले रखा है और उसका आप EMI पे कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फीचर बेहद ही बेनिफिशियल होगा, फायदेमंद होगा। क्योंकि होता क्या है, कई बार आप लोग क्या करते हैं, EMI पे करना भूल जाते हैं अपने लोन का, जिस वजह से नेक्स्ट मंथ आपको उसका एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता है, पेनाल्टी आप पर लगा दी जाती है, अलग से आपको फाइन भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको अलग से पेनाल्टी नहीं देना होगा। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि जब आप इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने बैंक को अपना परमिशन दे देंगे कि सर हर महीने इस तारीख को मेरा EMI पे ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाना चाहिए। ओके, मतलब कि आपने पूरी तरह से अपने अकाउंट के बारे में परमिशन दे रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंट का परमिशन दे दिया तो वो सब कुछ यूज कर लेंगे, नहीं, आपका सारा पैसा निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने जितना रुपया का यहाँ पर परमिशन दिया है कि हर महीने मुझे इतना पे करना है EMI, तो उतना ही रुपया हर महीने एक फिक्स डेट को डेबिट किया जाएगा आपके अकाउंट से, उससे एक भी रुपया ज़्यादा डेबिट नहीं होगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जब आप इस परमिशन को दे देंगे तो हर महीने एक फिक्स डेट को टाइम पर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और जो EMI आप पे करते थे हर महीने ऑटोमेटिक पे हो जाएगा। अब आप भूल जाओ, सो जाओ या फिर कहीं चले जाओ, कोई बात नहीं, आपका EMI आपके लोन के लिए पे हो रहा है और इससे आपका सिविल स्कोर भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और अलग से पेनाल्टी भी आपको पे करना नहीं पड़ेगा, अलग से फाइन देना नहीं पड़ेगा। तो ये जो फीचर है उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, या फिर बेनिफिशियल कहिए है, जो लोन लेना चाहते हैं या फिर लोन लेकर के रखे हुए हैं और EMI पे कर रहे हैं लेकिन टाइमली वो पे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये फीचर बेहद ही यूजफुल है, मुझे उम्मीद है दोस्त। अब आप लोग अच्छी तरह से ई मैंडेट फीचर की रिगार्डिंग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है या फिर किसी भी प्रकार का आपको कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। तो आज बस इतना ही। आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा यार, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करते रहता है। और हाँ, आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।